नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी में। आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। खटीमा डिग्री कॉलेज में छात्रों की अनुरक्षण राशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया। कॉलेज प्रशासन किस तरह से रुपयों का दुरुपयोग कर रहा है, इसकी बानगी देखने को मिली। सीमांत क्षेत्र खटीमा के हेमवंती नंदन बहुगुणा महाविद्यालय में लघु निर्माण समिति ने लाखों रुपयों की लागत से बनाई जा रही सीसी रोड में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया और निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले रुपयों की हेराफेरी भी की। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जिसमें सड़क निर्माण में घटिया सामान प्रयोग होता नजर आ रहा है। वहीं कॉलेज में निर्माण कार्य के लिए किसी भी तकनीकी एजेंसी को हायर तक नहीं किया गया और हद तो तब हो गई जब कॉलेज की निर्माण समिति ने पुरानी ईंटों को ही सड़क के निर्माण के लिए बिछाकर उसके ऊपर सीमेंट की चिनाई करा दी। अब जरा सोचिए, गुणवत्ता विहीन सीसी रोड आखिर कब तक टिक पाएगी। वहीं जब मीडिया ने कॉलेज में हो रहे निर्माण कार्य के घोटाले के बारे में पूछा तो कॉलेज प्रशासन सवालों से भागता नजर आया। सड़क बन रही है वो मानकों के अनुसार नहीं बन रही है, ईंट बिछा के खाली ऊपर प्लास्टर करा जा रहा है, जिसमें बरसात में समय अभी आपने देखा होगा कि उखड़ जा रही है। प्राचार्य से हमें सवाल पूछा गया, प्राचार्य इस संबंध में कोई जवाब देने से बच रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो बजट पास करा है उसका कोई पता नहीं है। हम आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो भी निर्माण कार्य हो छात्रों के हित में और महाविद्यालय के हित में क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए उक्त निर्माण कार्य अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। विकास प्रांगण विकास और ये जो आपका जो है सौंदर्यीकरण हमारा मद है उसके तहत कराया जाए। कितने रुपए का है ये काम? ऐसा कुछ नहीं, जैसे जैसे काम होंगे जैसे जैसे पोर्शन उसी जैसे कोई जैसे सेल्फ फाइनेंस विभाग का है तो वो उसका वहाँ से पेमेंट होगा, बीएड डिपार्टमेंट जैसे सेल्फ फाइनेंस है उसका वहाँ से होगा, इस तरह से विभिन्न मदों से उनका जो है भुगतान किया जाएगा। खटीमा डिग्री कॉलेज में हो रहे घपले को लेकर पूर्व छात्र रोहित वर्मा काफी नाराज दिखे और उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर पैसे का घालमेल करने का आरोप लगाया, साथ ही इस मामले में जांच की मांग भी की है। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्थान पर ही अगर धांधली हो और वो भी खुद कॉलेज प्रशासन की मिली भगत से, तो इसका छात्रों पर क्या असर पड़ेगा और वो क्या सीखेंगे? अब सवाल ये उठता है, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं?